लास्ट कहां तक पढ़ाया था मैंने, कहां तक बताया था? याद है? किसी कुछ याद नहीं है? ज्यादा पेपर हो जा रहा है, बाउंस हो जा रहा है? कौन सा सब्जेक्ट कहाँ तक पढ़ाई हुआ है? ऐसा है कि ये पेपर बहुत सारे बैचेस भी चल रहा है, तो एक्चुअल पता नहीं चलता है कि किस बैच में कहाँ तक पढ़ाई हुई है। इनपुट आउटपुट बता दिए थे, आईओ ऑपरेशन? आदित्य राज कहाँ तक पढ़ाए थे बोलो? एक्चुअली सर पिछले क्लास में हम ऑप्शन थे तो। अच्छा, कौन प्रेजेंट था भाई? किशन यादव, करण कुमार, करण कुमार बोलो, एब्सेंट था या क्लास किया था? आवाज नहीं आ रही करण कुमार। श्रुति वर्मा, कहाँ तक क्लास हुआ है किसी को भी नहीं मालूम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या चीज पढ़ रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं? विक्की राज बोलो, कौन सा सब्जेक्ट है अभी? ASP.NET। करण कुमार बोल भी सकता है, माइक म्यूट अनम्यूट करके बोल भी सकता है, बोलने का ऑप्शन दिया तुमको, अनम्यूट करो और बोलो। ASP.NET पढ़ रहे हैं। क्या है ASP.NET बताओ? कोई भी बताओ, कोई भी। सर्वर साइडेड वेब सर्वर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है सर, फ्रेमवर्क। तो इसके लिए हम लोग, इस फ्रेमवर्क के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? सी शार्प सर। सी शार्प लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। शशि कुमार बोल रहे हैं, आपके लिए के नहीं मालूम है। और भी ऐसा कौन सा लैंग्वेज होता है जो हम लोग सर्वर साइडेड के लिए यूज करते हैं ASP.NET के अलावा? ASP.NET के अलावा बताइए जो आप पढ़ सकते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं। सर जावा, VB.NET। नहीं, VB.NET तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, वेब एप्लीकेशन के लिए। वेब एप्लीकेशन बन सकता है लेकिन उस तरह की चीजें नहीं बन सकती है। VB.NET तो जावा जैसे पढ़ेंगे उसी तरह पढ़ेंगे। क्या चूज कर सकते हैं अगर इसका हमको ऑप्शन चाहिए कि ASP.NET नहीं, हम इसके जगह पर दूसरा चीज सीख लेते हैं? जैसे होता है ना कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना है तो आप जावा प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं, या VB.NET जावा नहीं है तो आप VB.NET को चूज कर सकते PHP हैं। सर, PHP हो गया। ASP.NET हो गया और आपका क्या हो गया? PHP हो गया और JSP। yes। ये सब चीज ज्यादा पॉपुलर ये दोनों है, उसमें से बहुत ज्यादा पॉपुलर ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है,
तो कोई टूल्स कोई बात नहीं, हम लोग किसी भी टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग सर्वर साइड, क्या एक्सटेंशन होता है इसका, इसका पेज कभी देखते हैं, इसके डिजाइन पेज ASPX, गुड ASPX, कभी देखा है इसका पेज .ASPX का? देखे होंगे, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी मैं खोल दूं तो अभी भी आपको दिख जाएगा, कोई मैं ओपन करता हूं। अगर कोई होगा वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का तो वहां पर पता चल। ये देखिए है ना, ये जो पेज है उस पर डिजाइन किया हुआ है ASP.NET। तो दोनों चीज है, दोनों चीजों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है ASP.NET, कभी आप PHP भी पढ़ेंगे, अलग अलग है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपका ओपन सोर्स है, ये आपका लाइसेंस है, ठीक है। ये दोनों, तो इस फ्रेमवर्क के लिए हम लोग यूज कर रहे थे कौन सा लैंग्वेज, सी शार्प, ठीक है। फिर से मुझे बताना पड़ता है क्या लैंग्वेज यूज कर रहे थे, सी शार्प। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आप जो इस तरह डिजाइन करोगे, सपोज ये डिजाइन करोगे, इसमें आप सिंपली बहुत सारे डिजाइन करोगे। आपने डिजाइन किया होगा HTML में, HTML CSS यूज करके, क्या है ना, नेम, ये इसको क्या बोलते हैं, लेबल, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, फादर नेम, उसके अलावा आपने चेक बॉक्स बनाया होगा, रेडियो बटन बनाया होगा, चेक बॉक्स बनाया होगा, और यहाँ पर बहुत सारे बटन्स बनाया होगा। और इसको हम लोग जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें जो भी वैल्यू रिकॉर्ड होता है वो सबमिट करते हैं, तो सबमिट होने के बाद कहाँ जाता है, यानी कि सर्वर पर एक डेटाबेस बना होगा, जो भी यहाँ पर फील्ड है सारे फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। डेटाबेस के लिए हम लोग कोई भी चूज करेंगे, आप कोई डेटाबेस लैंग्वेज शायद नहीं पढ़े होंगे, फोर्थ सेम में आपको पढ़ना है, तो उसमें हम लोग या तो MySQL यूज करें, SQL सर्वर यूज करें, या आप Oracle यूज कर सकते हैं, एक्सेस यूज कर सकते हैं, इन सारी लैंग्वेज को, डेटाबेस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि आप इसको डिजाइन करोगे, सपोज किसी भी टूल से डिजाइन कर सकते हो, जनरली आप अगर बेसिक देखा जाए तो आप HTML या CSS की यूज करोगे, दोनों के थ्रू डिजाइन करोगे इसको MySQL। व्हाट इज द यूज ऑफ ASP.NET? तो सर्वर साइड पीएचपी, दोनों का यूज क्या है सर्वर साइडेड का, सर्वर पर डेटा स्टोर करने के लिए, तो स्टोर करने के लिए तो ये यूज कर ही ले रहे हैं डेटाबेस। यस यस, अब क्या होना चाहिए कि यहां से डेटा पहले जो सबमिट करेगा लोग, जो भी यूजर, वो डेटा क्या होना चाहिए, पहले एक्सेस होना चाहिए ना, इस फॉर्म से हम लोग एक्सेस करेंगे तब ना इसको यहाँ पर सेंड करेंगे। यस सर। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग को पहले हम लोग एक्सेस करेंगे ये सारे फॉर्म के डेटा को, एक्सेस करने के बाद एक तरह से वैल्यू है, इस फील्ड का वैल्यू, इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम एक्सेस करके और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। उस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद फिर उस पर हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हो सकता है उस वैल्यू को एक्सेस करने के बाद आपको एडिशन का परफॉर्मेंस है, और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का परफॉर्मेंस है, या उस पर कुछ डिसीजन डेटा पर डिसीजन बेस्ड आपका कुछ परफॉर्मेंस देना है, लूपिंग बेस्ड देना है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें देना होगा, है ना। तो ये सारे के लिए हमको एक क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत चाहिए, सही ना, क्योंकि डिसीजन का लूपिंग का कैपेबिलिटी किसके पास होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास,
और इसको मैनिपुलेशन करने, अब डेटा चाहिए, वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन चाहिए इसके वैल्यू को होल्ड करने के लिए, उस पर ऑपरेशन चाहिए डिफरेंट, तो ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेगा यहाँ पर सब। और उसके बाद फिर इसको इसमें भेज देगा, क्लियर है, अपना वेरिएबल को फिर हम लोग जैसे प्रिंट कराते हैं है ना आउटपुट देखने के लिए, फिर इस आउटपुट को यहाँ पर भेज देगा। तो ये काम है यहाँ पर, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सर, समझ गए। Yes, तो ये क्लैरिटी रखना पड़ेगा तब ना कि पर्पस क्या है, पर्पस नहीं है ऐसे फिर पढ़े जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो सब में तो सेम चीज है वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका कोई पर्पस होता है ना कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या यूज करना है। अभी भी आप एक्सेस करते हो गए यहाँ से डेटा आपने फेच कर रखा हो, फेच किया होगा, उसको फेच करने के लिए क्या यूज किए हो कि आप ये डेटा है इसमें, इसके डेटा को फेच करने, फेच मतलब समझ रहे हो ना, एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हो, अभी क्या पढ़े हो इसके लिए, एक्सेस किए हो या नहीं, जावास्क्रिप्ट एक्सेस किए होगे ना उसमें, जावास्क्रिप्ट का यही काम था ना, उसमें भी तो प्रोग्राम की कैपेबिलिटी है सारा, डिसीजन की, वेरिएबल की। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अभी तुम लोग जब पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट, शायद पढ़ भी रहे होगे, तो वहां पर आप क्या करते हो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके वैल्यू, ये तो डिजाइन हो गया सिर्फ, एचटीएमएल सीएसएस का काम है डिजाइन कर देना ये फॉर्म, लेकिन वैल्यू फेच होना चाहिए, वैल्यू स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में, तो वैल्यू फेच और स्टोर करने के लिए अभी आप यूज कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट, वैल्यू को फेच करेंगे। अब जैसे सपोज तुम एक फॉर्म बनाया है ना मार्क्स का, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स जा रहा है, सी का, सी प्लस प्लस का एक फॉर्म बनाया, और यहाँ पर एक टोटल मार्क्स बनाया, तो ये तो डिजाइन तुम बना लिया एचटीएमएल सीएसएस। अब इसमें चार सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट का मार्क्स इसमें भरेंगे, यहाँ पर एक बटन रहेगा ऐड नाम का, ऐड पर क्लिक करेंगे तो सारा जुट के टोटल में आ जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये तो आप डिजाइन किए, लेकिन इस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि चारों मार्क्स के वैल्यू एक्सेस होगा, एक्सेस होने के बाद उस पर फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसको ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यू आएगा सो टोटल नाम के आपका टेक्स्ट बॉक्स में डाल देगा, तो ये सब परफॉर्मेंस के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, अभी क्या यूज किए होगे, जावास्क्रिप्ट यूज किए होगे। तो अंतर क्या है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग सर्वर साइडेड नहीं बना सकते, यानी कि आपके ये रिजल्ट को जो भी वैल्यू होगा उसको सर्वर पर नहीं भेज सकता है, वो यहीं पर जैसे यहाँ पर बट इसमें से वैल्यू जोड़ के फेच करके इसमें वैल्यू डाल दिए, तो ये तो सर्वर पर थोड़े जा रही है, तो मेरा इसी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, तो ये लिमिटेशन है इसका, यानी कि फेच वैल्यू करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करेगा, बट वो सर्वर पर नहीं भेजेगा, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में नहीं भेजेगा, है ना। तो हमको उसके लिए ही पढ़ रहे हैं पीएचपी या फिर क्या ASP.NET, ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट। यस सर। तो इसमें हमने बताया था कि इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी प्रोग्रामिंग है, जहां पर भी आपको इस तरह की चीज आती है तो प्रोग्रामिंग याद आती है, तो पहले हमको सी शार्प का जितना भी कंस्ट्रक्ट है प्रोग्रामिंग है ना, जो भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, चाहे वो जो बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स को एक बार थॉरली हम लोग को देखना होगा, ठीक है। और आप इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप पाइथन पढ़े हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी पढ़े हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी शार्प थोड़ा जावा से मिलता जुलता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होता है कि ऑपरेटर क्या है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, लिटरल्स क्या है ना, डिसीजन मेकिंग क्या है, आइटरेटिव आइटरेशन क्या है, लूपिंग क्या है, फंक्शन प्रोसीजर क्या है, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो हम ये सब कॉन्सेप्ट को एक बार हम थॉरली बताते जाएंगे, जैसे कि आप पढ़े हुए हैं सी, आपको ताजा ताजा है, सी जैसा मिलता जुलता है, और जो चेंजेस होगा, जो अलग होगा, उसको मैं डील करूंगा, समझ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसे होता है, तो वो सब सिंपल है, सी जैसा है, जो डिफरेंट होगा मैं बता दूंगा चीजों को, क्लियर है।
क्योंकि मुझे ये जल्दी से एक पोर्शन को खत्म करके फिर हम लोग को आगे इसको डेटाबेस में काम है, तो इसका बेसिक चीजों को थोड़ा हम समझ लेंगे जल्दी जल्दी क्या इसका काम है। थोड़ा सा उप्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो उप्स भी थोड़ा जान लेंगे। उप्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले से थोड़ा बहुत है, बुरी तरह तो नहीं है, पाइथन में थोड़ा बहुत होगा कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, तो वो सारा हम लोग इसमें डील करते जाएंगे। अब चलते हैं एक्चुअल, तो हमने आपको इसमें बता दिया कि हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट इन सी शार्प, दोनों तरीका आप समझ गए थे, इनपुट लेने के लिए आउटपुट लेने के लिए बता दिए थे पिछले क्लास में, ये तो याद रखना पड़ेगा ना, पता कैसे इसको चलेगा। इनपुट के लिए क्या यूज किए थे, इनपुट के लिए रेड लाइन, इनपुट के लिए रेड लाइन है यार, आउटपुट के लिए ना राइट है और राइट लाइन है, दोनों में अंतर भी बता दिए थे कि राइट लाइन क्या होता है, राइट क्या होता है, रीड, अच्छा जिस तरह रेड लाइन है उस तरह रीड भी होगा। रेड लाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हैं किस तरह के वैल्यू इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग, यानी कि इसको बाद में हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपने हिसाब से। कन्वर्ट करने के लिए भी फंक्शन बताए थे, ये आपका आता है टू इंट, है ना, ये बताए थे कन्वर्ट वाला, यस सर, टू इंट, टू डबल, है ना, टू फ्लोट, जिसमें जिसके कंपैटिबल में आपको कन्वर्ट करना है उससे रिलेटेड फंक्शन है, टू लगा दो उसमें, और कैसे लिखते हैं फंक्शन ये भी बता दिए थे, इसमें प्रीडिफाइंड फंक्शन का होता है, दो वर्ड का है तो दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, तीन वर्ड का तीनों वर्ड का पहला, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, एक वर्ड का है तो ये एक से ज्यादा, ये तरीका होता है। तो इसमें भी रीड लाइन है और रीड है, दोनों में रीड से क्या होगा कि रीड से एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं एक समय में इनपुट, ठीक है, और रीड लाइन से आप मल्टीपल कैरेक्टर ले सकते हो, डेट मीन्स स्ट्रिंग ले सकते हो, मल्टीपल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। और राइट लाइन भी मैंने आपको बता दिया था और राइट भी बता दिया था, इतना चीज आपको हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले देखते जाते हैं कि किस चीज में आपको ये है, पहले मैं लिखते जाता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है और वो चीज थॉरली आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, शेव करने के लिए बता दिए थे, क्या उसका एक्सटेंशन होगा सी शार्प का, डॉट सी एस, आप इंस्टॉल किए हैं विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो तो नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर कर रहे हैं, हाँ ऑनलाइन भी कर लीजिए, लेकिन विजुअल स्टूडियो का आईडी इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपको ऐसे भी काम देगा, फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको विजुअल बेसिक डॉट नेट पढ़ना है, ऑफ कर लो, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म आपको यूज होगा आगे, आप फिफ्थ सेमेस्टर में वीवी डॉट नेट पढ़ना है तो आपको काम आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो पहले से आप देख लें, इंस्टॉल कर लें उसके सिस्टम में। इंस्टॉल करने के लिए हम बताए थे कि आप 2012 वाला डाउनलोड कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा, 2012 ओल्डर वर्जन आप सर्च करेंगे तो 2012 ओल्डर वर्जन आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल में बताया था कि अगर प्रॉब्लम होगा तो आप गूगल कर लेंगे, यूट्यूब पर देख लेंगे उसका वीडियो, जो आप डाउनलोड किए हैं उसी से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, ताकि उसका इंटरफेस वीडियो में और आपका सेम टू सेम आए, जिससे इंस्टॉल करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए, बेसिक हम लोग जब पढ़ते हैं सी शार्प में, अगर हम लोग जाएंगे तो बेसिक में आपको हो जाएगा आइडेंटिफायर, जो चीजों को हम लिखते जा रहे हैं और उसके बाद फिर आपको हम समझा देंगे कि क्या क्या अंतर है, डिफरेंट दूसरे से कैसे डिफरेंट। वेरिएबल, रूल वही है वेरिएबल लेने का, उसके बाद कॉन्स्टेंट, इसमें दो कॉन्स्टेंट है, एक बुलियन और स्ट्रिंग, बुलियन है इसमें बताया था पिछले क्लास में, बुलियन है, ठीक है, और स्ट्रिंग, और बुलियन में दो ही वैल्यू होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो ये काम करेगा इसमें। उसके बाद होता है आपको डेटा टाइप,
डेटा टाइप में आपको पिछले क्लास में बताया था, डेटा टाइप में आपको सेम जितना भी डेटा टाइप होता है वो होगा। और पिछले क्लास में भी दिखाया था इंट है, कैर है, फ्लोट है, तो ये सारा सेम टू सेम डेटा टाइप है। फ्लोट है, डबल है, ठीक है, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा एक बुलियन टाइप का होगा तो बुल है, और एक आपका स्ट्रिंग भी है ना, इस तरह सो ऑन आपका डेटा टाइप है, वो आपको समझा हुआ चीज। फिर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम, सेम टू सेम बोले तो किसके जैसा, सी जैसा, पाइथन नहीं समझ में आ जाना है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग यूज करते हैं पहले डेटा टाइप, फिर क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। तो आप उस तरह कर सकते हैं जैसे सी में किए थे, तो ये आप पढ़ा हुआ है ना, इंट करेंगे, एन करेंगे, डेट मीन्स एन इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो ये आपको भी चीजों को समझ रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं लिखते जा रहा हूँ और एक बार आप सारा प्रोग्राम को देख लें, वेरिएबल डिक्लेरेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल में वैल्यू लेना, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो आप इस तरह लेते हो इंट एन इक्वल टू एन, ठीक है, सिंपल। फ्लोट होगा तो फ्लोट, कैर होगा तो कैर, कैर आप जानते हो किसको कहते हैं, फ्लोट आप जानते हो किसको कहते हैं, तो इस तरह के वैल्यू आप ले लोगे। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग, बुल में सिर्फ दो वैल्यू होगा, फॉल्स और ट्रू, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटर, सेम सारा चीज अभी सी वाला है, कहीं चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर में आपका आ जाएगा अर्थमेटिक, सारे लोग जान रहे हैं अर्थमेटिक, सेम टू सेम सिंबल भी, साइन भी। उसके बाद कंपैरिजन, सेम। उसके बाद आपका लॉजिकल, सेम एंड और नॉट, सिंबल भी सेम, सी वाला, सारा सी की बात कर रहे हैं, पाइथन की नहीं, एंड और नॉट पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सी सी प्लस प्लस जावा सब में होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम है। असाइनमेंट, असाइनमेंट आप देखे होंगे, असाइनमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर होगा आपको a इक्वल्स टू 10, यानी a वेरिएबल में 10 स्टोर कर रहे हैं, ये भी असाइनमेंट होगा, या और आप लिख सकते हैं इस तरह का भी होगा a इक्वल्स टू a प्लस 10, आप उसको लिख सकते हैं क्या a प्लस इक्वल्स टू 10, ये भी आप देखे होंगे क्या, ठीक है। तो ये है आपका बीट वाइज, इसमें नहीं है बीट वाइज, आपने सी में पढ़ा होगा या पाइथन में पढ़ा होगा बीट वाइज लॉजिकल, बीट वाइज शिफ्टिंग, तो वो इसमें बीट वाइज नहीं है, है ना, जिसमें सिंगल एंड, सिंगल और, नॉट, एक्सॉर, शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जो आप सी में पढ़ते हैं या पाइथन में पढ़े थे वो इसमें नहीं है। टर्नरी है, टर्नरी आप जानते हैं, टर्नरी किसको कहते हैं, कंडीशनल, तो इतना है स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं ये बेसिक आपका हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड आप जानते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, इनम आप जानते हो, इनम क्या होता है, ये सब सारा सी वाला है, आप तो जो यूज किए हो तो वो सारा यहाँ पर भी यूज आप कर सकते हो, या नहीं भी जरूरत पड़ेगा तो नहीं भी, बट सेम टू सेम सी वाला, यहाँ पर सी वाला है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हम लोग देख सकते हैं सिंपल, आप
सिंपल इफ का यूज करते हैं, इफ एल्स का। तीन कैटेगरी में आप डिवाइड, चार कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लैडर इफ, वो सारा आप सारा इसमें सेम है, सेम तरीका, कंडीशन रखने का तरीका भी सेम, ब्रांचिंग ग्रुपिंग का तरीका, यानी ग्रुपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ब्लॉकिंग के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं ब्लॉकिंग देने के लिए, जैसे आप लिखते हो इफ, इफ के बाद आप लिखते हो कंडीशन इसके अंदर, उसके बाद आप यूज करते हो कर्ली ब्रेस, तो कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है सी जैसे, एकदम सेम टू सेम। तो इसमें आप इफ एल्स भी पढ़ोगे, नेस्टेड इफ भी पढ़ोगे, लैडर इफ भी पढ़ोगे, यहां तक कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं लूपिंग, ठीक है। लूपिंग में है आपका व्हाइल, सेम एकदम व्हाइल फॉर, सेम टू सेम, और एक होता है फॉर ईच, जो सी में तो नहीं होता है, जावा में होता है फॉर ईच, लेकिन वो एरे के कॉन्सेप्ट में पड़ता है। तो यहां तक आपका एकदम से सेम है, फॉर ईच एक बताएंगे, एरे थोड़ा सा डिफरेंट है जो बता। तो एक मैं प्रोग्राम एक दिखा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए, इसमें से एक मैं बना दे रहा हूँ लूपिंग वाला, वो दिमाग में आ जाए कि हाँ सेम टू सेम ही है, आप देख भी लेंगे तो सेम टू सेम करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है ब्रेक कंटिन्यू, तो ये भी आपका सेम, ब्रेक And continue. चलिए तो एक प्रोग्राम मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। विजुअल स्टूडियो 2012 फाइल न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद विजुअल सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, यहां पर हम लोग फाइल का नेम देंगे, जैसे अभी हम चेक कर रहे हैं लूप टेस्ट, ठीक है। किस ड्राइव में सेव करना है, मेरा पहले से दिया हुआ ड्राइव, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख लेंगे, कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम टू सेम है, तो इसीलिए एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ प्राइम चेक करने का, क्या चेक करने का, प्राइम सी में आप बनाए हैं, सेम कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ इनपुट और आउटपुट के तरीका यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इंट एन एक आई लेते हो, अगर आप दूसरे लॉजिक से बनाए होगे तो हो सकता है इसी लॉजिक से बनाया होगा या दूसरे लॉजिक से भी बनाया होगा। ये वेरिएबल हो गया तीन, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे लूप, सॉरी इनपुट, इनपुट के लिए बताए थे कंसोल डॉट, एक मैसेज देंगे पहले राइट, राइट लाइन न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा, इंटर नंबर, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट हो गया, लेकिन कंसोल डॉट रीड लाइन के लिए ऐसे नहीं होगा, हमको लेना है इनपुट एन में n equals to convert dot to int, ठीक है, और इसको मैप डाल देता हूं ब्रैकेट में, ये हो गया आपको इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे फॉर लूप,
फोर अब तो सेम टू सेम होगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पर फोर, ठीक है, आई इक्वल्स टू वन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इफ एन परसेंट आई इक्वल्स टू जीरो देन ब्रेक, फ्लैग को बंद करेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू वन, ब्रेक और बंद होगा और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, लूप के बाहर चेक करेंगे, इफ इफ फ्लैग इक्वल्स टू जीरो देन कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन इन कॉन्केटनेशन के लिए क्या बताए थे? कॉन्केटनेट करने के लिए क्या बताए थे? कहाँ पे सर कॉन्केटनेट? स्ट्रिंग मैसेज जब प्रिंट कराते हैं तो स्ट्रिंग मैसेज में हम लोग वेरिएबल भी यूज करते हैं, यानी इंटीजर टाइप भी यूज करते हैं और स्ट्रिंग भी यूज करते हैं, तो दोनों के बीच कॉन्केटनेशन के लिए क्या बताया था? प्लस सर, प्लस 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 कॉन्केटनेशन कब करेगा, प्लस एडिशन कब करेगा? कॉन्केटनेशन एडिशन कब करेगा? जब दोनों वैल्यू, दोनों ऑपरेंड क्या हो, न्यूमेरिक हो, यानी कि इंटीजर हो या फ्लोट हो, और कॉन्केटनेशन कब करेगा? जब दोनों ऑपरेंड में से एक, एटलीस्ट एक ऑपरेंड आपका क्या हो, स्ट्रिंग हो। पाइथन में दोनों करता है, दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग और दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग हो, बट इसमें क्या है कि एटलीस्ट एक ऑपरेंड स्ट्रिंग होना चाहिए, तो एडिशन नहीं करके कॉन्केटनेशन करेगा, ठीक है, एन इज नॉट प्राइम। तो ये हो गया आपको, और ये देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम कोडिंग है, कहीं पर लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होगा, तो लॉजिक तो अलग अलग लॉजिक होगा, जैसे आप इस लॉजिक से बनाए थे या वो काउंट वाला बनाए होंगे कि दो ही आपका, दोनों से बने थे, ठीक है, तो आपके दिमाग में होगा ही। एक लास्ट में हम यूज कर दे रहे हैं, रीड की यूज करना होगा, रीड की यूज करेंगे होल्ड करने के लिए, और रीड की हो गया मेन के अंदर, कंसोल डॉट रीड की, फाइव is not, five is prime, है ना सर? यहाँ पे गलती हो रहा है सर, हम काउंटर तो लगा ही नहीं रहे सर, एक काउंट तो लगाना नहीं पड़ेगा कितना उसका वो होगा, नहीं है, मेरा लॉजिक कुछ दूसरा है, मेरा लॉजिक दूसरा है, आई इक्वल्स टू वन, और सॉरी वन से नहीं चलूंगा, टू से चलूंगा, लॉजिक नहीं है, काउंटर वाला लॉजिक नहीं है, फाइव, फाइव इज प्राइम, सही दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कहीं पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, रादर देन सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट के लिए और ये तरीका, बाकी लूप का बॉडी कैसे होगा, फॉर लूप आप समझते हैं, इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी लूप का पार्ट होता है, फॉर में एक साथ ही लिखते हैं, ब्रेक भी आप यूज किए हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में, यानी कि आगे हम जब लूपिंग का यूज करेंगे
डिजाइन करते समय तो आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये कैसे कर रहा है, ये सारा सेम टू सेम, समझ गए। हाँ लॉजिक मेरा कुछ अलग है तो उससे मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर लॉजिक मेरा जो प्राइम बनाने का है वो मेरा ये है कि कोई नंबर को अगर आप प्राइम चेक करना चाहते हो तो सिंपली उसमें जैसे 5 को प्राइम चेक करना है तो आप 2 से लेके 4 तक चलो, है ना, 2 से लेके लेस देन एन यानी 4 तक चलो। इनमें से किसी से भी डिवाइड अगर बीच में हो जाता है तो तुरंत लूप से बाहर निकलो, कोई जरूरी नहीं है लूप में रहने के लिए क्योंकि हमको पता चल गया कि वो प्राइम नहीं है। तो यही चीज है, फ्लैग वेरिएबल ले लिए, फ्लैग वेरिएबल को यूज करते हुए हम लोग लूप से बाहर निकल गए हैं। दूसरा एक चीज है कि वैसे भी आपको समझाने की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि कैसे प्रोग्राम को ड्राई रन कराया जाता है। अगर ड्राई रन आपको मालूम है ड्राई रन कराना तो आप अपने प्रोग्राम को फर्दर चेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें वही टर्म यूज किया गया है जो टर्म आप जानते हैं, ऐसा एक भी टर्म नहीं है। फोर जानते हैं, इफ जानते हैं कैसे काम करता है, फ्लैग जानते हैं, ये वेरिएबल आप जानते हैं वेरिएबल कैसे काम करता है, ब्रेक जानते हैं, तो कौन सा टर्म है जो नहीं जानते हैं। तो आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं, लॉजिक अलग अलग हो सकता है। आदित्य राज क्या क्वेश्चन है सर? convert.2int32 सर ये इस कोड का क्या मतलब हुआ? 2int तो समझ रहा है, 2int का यूज क्या है? 32 समझना है या 2int पूरा समझना है? सर पूरा सर। जैसे हम लोग जो इनपुट लेते हैं किसके थ्रू इनपुट लेते हैं? इनपुट लेने के लिए सी शार्प में कौन सा फंक्शन है? रीडलाइन। रीडलाइन है ना, तो रीडलाइन के थ्रू जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है सी शार्प वो किस तरह का वैल्यू होता है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को आप कन्वर्जन करेंगे ना अपने हिसाब, क्योंकि हर बार आपको इनपुट तो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए, आपको अलग अलग वैल्यू चाहिए, इंटीजर चाहिए, फ्लोट का भी चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। आपके प्रोग्राम जब बनाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वैल्यू चाहिए एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, और वो स्ट्रिंग लेता है। तो मेरे पास कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए ना जहां पर मेरे स्ट्रिंग से इंटीजर, स्ट्रिंग से फ्लोट, स्ट्रिंग से डबल, स्ट्रिंग से कैर, यानी कि कन्वर्जन फंक्शन होना चाहिए स्ट्रिंग से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए। और ये कन्वर्जन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, पाइथन में पढ़े थे ना, कि पाइथन भी तो जितना भी इनपुट आप लेते हो सारा किस टाइप का लेता है? स्ट्रिंग टाइप का लेता है। तो बाद में अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं, है ना, अपने डेटा टाइप में। तो इसी तरह यहाँ भी स्ट्रिंग लेता है तो मुझे फिर जरूरी पड़ जाता है कि मुझे हर बार स्ट्रिंग का काम नहीं है, मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए फंक्शन है 2int, 32 मैं बताता हूँ। तो 2int है ना, 2int कैसे लिखते हैं वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। दो लेटर, दो वर्ड का है, दोनों वर्ड का पहला लेटर जितना वर्ड का रहेगा हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, ये तरीका है इसका, है ना, नोमनिक्लेचर है, नेमिंग कन्वेंशन है इसका इस तरह का, ठीक है। उसके बाद 2 डबल है, 2 फ्लोट है, हर तरीके का वैल्यू है। 2 डबल है, डबल में अगर आपको चेंज करना है, 2 कैर है, कैरेक्टर में आपको चेंज करना है, इस तरह की चीजें आपको है, ठीक है। अब 32, 16, 64 ये आप जानते हैं रजिस्टर होता है 16 बीट का, 32 बीट का, 64 बीट का। तो सिर्फ इंट के केस में, ठीक है, ये जो इंट देख रहे हैं सिर्फ इंट के केस में यूज करना है इसको, ठीक है, बाकी के केस में नहीं। 2 डबल में हम लोग कुछ यूज नहीं करें, सिर्फ इंट के केस में। आप 32 भी यूज कर ले, आप अपने सिस्टम में देखें तो 64 भी यूज कर ले। पिछले क्लास में लगता है मैंने इसको बताया था आपको कन्वर्जन, तो इसलिए हम लोग को कन्वर्जन, अब कन्वर्जन किस क्लास के अंदर है? कन्वर्ट क्लास के अंदर है, कन्वर्ट क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज है आपको 2int को, कोई भी आप डबल में चाहे तो 2 डबल कर लो, आपको डबल में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर सॉरी 2 डबल होगा, लेकिन यहां पर मुझे देखना होगा कि 2 डबल में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ये वैल्यू का स्टोर भी 2 डबल में ही टाइप में ही होना चाहिए। तो यहां पर फिर फ्लोट इंट एन के जगह पर आपको डबल लेना पड़ेगा, नहीं तो टाइप कास्टिंग हो जाएगा, टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन आप पढ़े होंगे। तो ये आपका डबल के लिए है, आप ले सकते हैं।
है ना, तो ये कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, समझ गए? यस सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार खुद से भी आप ट्राई करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि यहां तक आपका सेम टू सेम है, ठीक है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे हम यूज करेंगे तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब समझा हुआ है? और अभी ताजा ताजा आप सी पढ़े हुए हैं तो सारा दिमाग में आपका होगा भी, लूप वगैरह डिसीजन है ना, सारा चीज होगा, तो सारा सेम टू सेम है। और ऐसा ही सेम टू सेम आपको जावा में मिलेगा, जावा से मिलता जुलता है, तो यहाँ तक आपको सेम टू सेम। सर 32 छूट गया, 32 छूट गया, 16 पर भी काम कर देगा ये मेरे ख्याल से, सिस्टम में 16 पर भी काम कर देगा, ठीक है? 64 आप चेक कर ले, 64 पर नहीं करेगा मेरे सिस्टम में, आप अपने में चेक कर ले सकते हैं, 32 में तो सब कर लेगा, 64 में नहीं करेगा, ठीक है? तो आप 32 या 16, आप 64 काम कर देगा तो अपने सिस्टम में आप देख लेंगे। तो ये तरीका है, तो यहां तक आपको सेम टू सेम है, ब्रेक आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यू आपने पढ़ा होगा, दोनों में आपको सेम सेम है, ब्रेक कैसे काम करता है, कंटिन्यू कैसे काम करता है, ये दोनों आपको क्लियर है, ठीक है? अब उसके बाद एरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, एरे का कॉन्सेप्ट जावा से अडॉप्ट करता है, जावा में थोड़ा सा एरे का डिक्लेरेशन डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है? तो वो डिक्लेरेशन हम समझेंगे। अब इससे पहले हम एक आपसे पूछ रहे हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू क्लियर होना चाहिए, आगे इसका काफी यूज है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक से रिलेटेड चीजें पूछ लेता हूँ। फाइल कहाँ यूज करते हो आप ब्रेक एंड कंटिन्यू को? सर इफ एल्स के, इफ एल्स में, इफ एल्स में यूज होता है? यस सर। नहीं, लूप में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? लूप में यूज होता है हमेशा, खाली इफ एल्स में नहीं होगा। लूप के अंदर इफ एल्स करके दे रहे हैं तो अलग मैटर है, लेकिन इसको आप लूप के अंदर होगा या तो वाइल के अंदर होगा, है ना? अब ये अलग मैटर है कि ये लूप के अंदर इफ एल्स लिख के हम लोग, इफ लिख के हम लोग ब्रेक दिए हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन ये लूप के अंदर होना चाहिए, ठीक है? अब ऐसे नहीं है कहीं लूप का जिक्र नहीं है और इफ लिखेंगे और ब्रेक लिखेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। हम लोग लूप के अंदर लिखे, इफ के अंदर इसलिए दे रहे कि लूप के अंदर तो हो बट एक सर्टेन कंडीशन पर जाके क्या हो, ब्रेक, इसीलिए इफ दिए, नहीं तो इफ जरूरी नहीं होता है, आप बिना इफ का भी ब्रेक काम करेगा, सिर्फ जरूरी होता है क्या, लूप का, चाहे आप ब्रेक का यूज करें या किसका यूज करें, कंटिन्यू का यूज करें, है ना? तो एक आपका क्या काम होता है दोनों का, ब्रेक का और कंटिन्यू का? ब्रेक का काम होता है फोर्सफुली एग्जीक्यूशन को सर स्टॉप कर दे, हाँ, लूप से टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट कर दे, और कंटिन्यू का है सर उस जिस पे कंडीशन लगा है उसको सर क्या बोलते हैं तरीके से जंप करवा दे उस पे, यानी कि जहां भी कंटिन्यू अकर्ड होता है, एनकाउंटर्ड होता है, उस पार्ट को ओमिट करता है, ठीक है? बाकी लूप के जहां पर अकर्ड होता है उसके बाद का पार्ट को क्या करता है, ओमिट करता है, और फिर आगे फर्दर लूप को प्रोसीड करता है। ये दोनों चीज आप समझ लें, हम सिर्फ समझना नहीं, मैं आपसे आउटपुट पूछ रहा हूं और आउटपुट आपको बता देना है, मैं जानूंगा कि समझा हुआ है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, चूंकि आप जानते हैं ये चीज। तो मैं एक डिजाइन आपके पास दे रहा हूं, और इंट आई इसमें भी कर सकते हैं, सी में तो आप जैसे कि जानते होंगे कि सी में जब आप यूज करते हो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आप सिर्फ और सिर्फ मेन के जस्ट बात करते हो, ठीक है? ये है ना, बट सी प्लस प्लस जावा और सी शार्प में भी देख रहे हैं कि कहीं भी कर सकते हो, इवन की फोर में आपको जरूरत होगा तो फोर में भी आप कर सकते हो, है ना? यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी आप कर सकते थे इंट आई, तो ये हो गया।
कंसोल डॉट क्या आउटपुट ये देगा? वन से लेकर टेन तक प्रिंट करेगा कुछ नहीं करेगा सर प्रिंट कुछ नहीं करेगा ना जी, है ना? ये तो कहाँ है, तो गुस्सा और ब्रेक मिल गया बाहर निकाल दिया। अच्छा हाँ, स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि पहले ब्रेक हो गया है ना। कंसोल, अब कंसोल डॉट रीड की लास्ट में हम दे देते हैं, ठीक है? तो ये आप देखे हुए हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर यूज, जैसे आप कंडीशन के साथ देते हो तो वो, लेकिन लूप के अंदर होने चाहिए। इफ i इक्वल्स टू 5 है ना, अब क्या आपको देगा वो आउटपुट? 1 से लेकर 5 6 से लेके 10 तक प्रिंट करवाएगा। उल्टा तुम बोल रहा है यार, 1 से 5 सर ब्रेक है, 1 से 5 1 से लेके 4 तक देगा ना? यस सर, 5 पर ना ये अब इसको हमने ब्रेक को एक कंडीशन के साथ डाल दिया, अब ब्रेक तभी काम करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। ये कंडीशन को कब फुलफिल करेगा? जब i की वैल्यू 5 होगी, लेकिन i के वैल्यू 4 तक तो प्रिंट कर देगा, 5 हो गई वही ब्रेक हो जाएगा, तो 5 को ब्रेक हो जाएगा तो बाहर निकाल देगा, यानी 5 के केस में ये मिला ही नहीं और उसके बाद तो खैर लूप से बाहर ही निकाल दिया, तो ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है? क्लियर है? व्हाइल में भी यूज करोगे सेम टू सेम होगा, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यू का यूज करते हैं। क्या देगा सर? 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, 5 नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? 5 क्यों नहीं प्रिंट करेगा सर? कंटिन्यू लगा सर, कंटिन्यू है कंडीशन है सर, i इक्वल टू 5। नहीं वो तो याद, आखिर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू क्या किया कि नहीं प्रिंट किया i को सर? उसको ओमिट कर देगा सर, यानी जहां कंटिन्यू मिला उसके बाद ओमिट कर देगा, यही ना? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्या आएगा? 1 से लेकर 10 तक और 5 और 6 नहीं आएगा शायद। 5 और 6 नहीं आएगा, गुड, क्योंकि सिंपली 4 के बाद तुरंत से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 5 पर तो ये ट्रू हो रहा है, 5 के बाद तुरंत 6 हो गया, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि अगली बार लूप फिर 7 से चलेगा, 6 के बाद 7 होगा, यहाँ पर जाएगा तो 7 होगा, यानी 5 और 6 दोनों के केस में ये नहीं मिला लाइन, तो ये कंटिन्यू कर गया। लेकिन अब मैं इसको, आप समझ गए होंगे आप इधर उधर स्टेटमेंट करके, लेकिन अब मैं इसको वाइल में जरा चेंज करता हूँ। ब्रेक जब यूज करते हैं आप तो वाइल में और फोर में एक तरह से काम करता है, लेकिन कंटिन्यू मैं आपसे पूछता हूँ वो आप बताएंगे। और वाइल में जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्ट नहीं होगा, इस पार्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ कंट्रोल भी, और यहां पर मैं लिखता हूं वाइल, ये पार्ट कंडीशन रहेगा और ये हम लोग बता देंगे, और यहां पर ये भी अभी हटा देते हैं, और ये करने के बाद आई प्लस प्लस प्रिंट करेगा, चलेगा, चेक करेगा, प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, क्या आउटपुट देगा? अगले सेम टू सेम 4 वाला है पहला जो सिचुएशन था, यस सर। उस समय आपने बोला था 1 to 10 देगा जिसमें 5 नहीं देगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10,
सेम टू है उसी को लूप को है, सिर्फ हमने किसमें चेंज किया, वाइल में चेंज किया, क्या आउटपुट देगा? बोलिए, कोई भी बोलिए, कुछ भी गलती सही नहीं बोल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है सर। 5 छोड़ के सर 1 टू 10 प्रिंट, यानी कि वही देगा 4, वही देगा। यस सर, 4 देगा और 4 के बाद फिर इनफिनाइट लूप हो जाएगा, यानी कंटिन्यू आप बेसिक तरीके से नहीं समझ, कंटिन्यू आप समझेंगे, इससे कंपेयर करते हैं तब समझते हैं कंटिन्यू। 4 के बाद आगे देगा नहीं, लूप इनफिनाइट वे में चला जाएगा। देखिए लिंक कर रहा है, इनफिनाइट लूप चल रहा है। अब देखिए कैसे इनफिनाइट चल रहा है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट इस तरह के होता है वाइल का, 4 से डिफरेंट होता है। अब देखिए 4 तक तो देगा, 4 तक तो ये ट्रू नहीं होगा, 4 तक तो इसको सोचना नहीं। 1 प्रिंट किया, 1 बढ़ के 2 हो गया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया, जे भी 5 हो गया, ये कंडीशन ट्रू क्या हो गया, कंटिन्यू। कंटिन्यू कहता है कि कंटिन्यू के बाद जितना लूप का पार्ट होता है बाद में वो सबको क्या कर देता है, ओमिट, स्किप, क्या करता है, स्किप करता है, यानी कि ये इसके बाद ये दोनों लाइन को स्किप करेगा, स्किप करेगा तो यहां भेजेगा और यहां बढ़ाने वाला कोई है नहीं, 4 जैसा, तो यहां फिर क्या रहेगा, 5 ही रहा, यहां जाएगा तब ना बढ़ेगा, 5 कंडीशन ट्रू कंटिन्यू, 5 कंडीशन ट्रू कंटिन्यू, 5 कंडीशन ट्रू कंटिन्यू, चलो कंटिन्यू होते रहो, ये है, समझ गए? Yes, sir. है ना, तो ये तरीका है। अब आप इसको आना चाहते हैं कि नहीं, इसको काम कराने हमको उसी तरह है, 4 जैसा ही है, तो आप कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं कि इसके बाद का ये ओमिट कर दे रहा है, तो मेरा ये वाला भी ओमिट हो जा रहा है, ये वाला भी स्किप हो जा रहा है, इसको आप स्मार्टली यहाँ पर कर दो, है ना। खाली अगर कंटिन्यू मिले तो ये ओमिट करे, ये वाला बढ़ जाए, और जब ये अगर आप करोगे तो ये अगर आप करोगे तो फिर आप यहाँ 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि पहली बार ही 1 हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कर लोगे जो भी आप जानते, और यहाँ पर लेस देन, तो ये कंटिन्यू का तरीका है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, समझ गए होंगे, यहाँ तक सेम टू सेम है, कुछ हम दिखा भी दिए जिससे आपके दिमाग में आ गया कि कहीं कोई डिफरेंस नहीं है जैसे हमने सी में पढ़ा था। ये बताने का मेरा पर्पस था, ये नोट आपको शेयर किया हुआ है या नहीं? यस सर, सी सर वाला से हाँ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हम अगले क्लास में बताएंगे एरे, थोड़ा एरे डिफरेंट है सी और सी प्लस प्लस से, डिफरेंट से कॉन्सेप्ट सेम है, एरे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो तो सब जगह सेम ही मिलेगा चाहे सी में पढ़े। एरे का डिक्लेरेशन और आपका इनिशियलाइजेशन थोड़ा सी से डिफरेंट है ना, जावा से मिलता जुलता, तो जावा चूंकि आप पढ़े नहीं है तो दिमाग में नहीं है कि कैसे करते हैं, तो वो हम अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऑप्स के परिचय देने के बाद फिर हम ले जाएंगे आपको विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, चूंकि यहाँ पर मेरा मेन पर्पस है विंडो बेस्ड डिजाइन करना और फिर उसको ये इससे कनेक्ट करना, डेटाबेस से कनेक्टिविटी दिखाना, लेकिन बेसिक आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है? Yes, तो yes, कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, लेकिन एक बार ये सब आप रन करा के देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रन करा के देख लीजिएगा, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, आदत हो जाएगा कंसोल यूज करने का, या फिर आपको सिंपली आपको रेड लाइन यूज करने के लिए, राइट लाइन कन्वर्ट यूज करने का, टू इंट यूज करने का, ये सब थोड़ा सा यूज टू हो जाए, है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। एंड करें मीटिंग, यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू।